देखिए साथियों, अगर 13 करोड़ जमाकर्ताओं का जो आंकड़ा जो है सहारा इंडिया के निवेशकों का दिया जा रहा है, सहारा के आम जमाकर्ताओं का दिया जा रहा है, तो फिर निवेशक उस अनुपात में आज सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे? आज इसमें दोष किसका है, कौन दोषी है? और जिस तरह का आज हम जो है थंबनेल लेकर आए हैं कि गुस्से में है निवेशक, 27 दिसंबर 2023 को जंतर मंतर पर करेंगे महारैली, तो क्या करने वाले हैं? किस तरह की पीड़ा है, किस तरह की पीड़ा है, और किस पीड़ा से आज सहारा का आम जमाकर्ता, आम जो है एजेंट आज जो है गुजर रहा है, तो क्या पीड़ा आज सहारा के निवेशक देख पा रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि इतने लोग अगर पीड़ित हैं, तो फिर वो लोग आज आंदोलन के रूप में सड़कों पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे? मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश जुड़ा है इसमें, बिहार जुड़ा है मुझे, और उत्तर प्रदेश जुड़ा है, और झारखंड जुड़ा है। तो मुझे लगता है इतने प्रदेशों के लोग जुड़े हैं, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये वीडियो हजारों तक जो है, लाखों तक जो है जाएगी। तो आप सभी साथियों से, अगर सरकार आपकी बात को अनदेखा कर रही है, तो आप लोगों ने ऐसा क्या आंदोलन के रूप में आप लोग करने वाले हैं जिससे सरकार सरकार तो कह रही है, लोकसभा में अभी जो है दो सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया, सोमवार को और मंगलवार को भी दो सांसदों ने तार्किक प्रश्न के माध्यम से सहारा के भुगतान के मुद्दे पर उठाया, लेकिन सरकार भी जवाब देती है और सहारा सेवी और रिफंड पोर्टल से ही भुगतान की बात करती है। तो क्या आपको लगता है कि इस रिफंड पोर्टल के माध्यम से, आपको लगता है कि इस रिफंड पोर्टल के माध्यम से और जितने लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज सहयोग कर रहे हैं, तो क्या एक बड़ी तादाद में आप लोगों की भीड़ महारैली के रूप में जंतर मंतर पर जो है खड़ी दिखेगी? मैं जो है आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि पूरे देश में अगर और आंदोलन में अगर खेल है, तो संख्या बल का ही खेल है। मेरे साथ में गौतम दीवान जुड़े हैं रांची से, और मैं चाह रहा हूं वो अपनी बात रखें। पैनल में जुड़े सभी वरिष्ठों को मेरा प्रणाम। सुबह से मैं और जिलाध्यक्ष राजीव सिंह जी हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी हम लोग रांची से के बगल में एक बहुत ही अच्छा जगह है, वहां आए हुए थे, जहां से रांची रीजन का एक अच्छा खासा व्यवसाय हुआ है। इस जगह से रातू बोल के एक जगह है, वहां हम लोग आए हुए हैं, वहीं से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 20 से 25 महिलाएं सुबह 1 घंटे से हम लोगों का इंतजार कर रही थी। उन लोगों के द्वारा हम लोगों को आश्वासन मिला है कि इसके बाद हम लोग आप लोगों को अच्छा खासा मदद करेंगे। फिर कल फिर बुलाई हैं हम लोगों को और अब बोली हैं कि अब हम लोग समझ लीजिए आज ही आपका कार्यकर्ता बन गए। हम बोले बस यही जज्बा होना चाहिए आप लोगों में, और बोली कि हम लोग तो जाएंगे आंदोलन में और अपने अपने एजेंटों को साथ में लेके जाएंगे, और आगे जो भी सहयोग है हम लोग करने का आश्वासन मिला है। समय बहुत कम है, हम लोग खुद चिंतित हैं कैसे होगा आगे। जैसा आप लोगों का निर्देश मिलेगा उसका पालन करेंगे हम लोग। चलिए जो है लगातार सहारा के इसके बाद जो पीड़ित निवेशक हैं, वो जो है लोगों से संपर्क कर रहे हैं, और संपर्क को जो है बढ़ाने का काम राजीव जी और गौतम दीवान जी द्वारा किया जा रहा है, और महिला जो निवेशक हैं और महिलाओं को जो आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जी रखिए रखिए अपनी बात रखिए। इसके बाद हम लोगों का शाम का प्रोग्राम है, 3-4 और हमारे क्रांतिकारी सदस्य हैं जो हमसे कुछ 15 किलोमीटर दूर में हैं। प्रभात जी हैं, अजीत जी हैं, मानस दा हैं, एक डॉक्टर साहब हैं। इन लोगों के पास हम लोगों को शाम में जाना है, उनके एरिया को भी हम लोग को जागरूकता फैलाना है। अजीत जी को हम बोले कि आप घबराइए नहीं, हम लोग आपको ले चलेंगे, पैसे का चिंता मत कीजिए, खाली आप हम लोग को अपने जमाकर्ताओं से मिलाएं। सच्चाई जब तक नहीं रखिएगा नहीं होगा। इस लाइव को देख रहे सभी सम्मानित खाताधारियों से भी निवेदन है कि वे लोग अपने अपने एजेंटों को बुलाएं अपने पास और पूछें कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और इस लाइव के को देखने के बाद जितने भी पीड़ित जमा करता है, वे लोग मुझसे और राजीव सिंह जी से
संपर्क करने की कोशिश करें और हम लोगों को सिर्फ एक फोन करें, हम लोग सारी वस्तु स्थिति आपके पास रखेंगे। और घर बैठे खाली मोबाइल और व्हाट्सएप बाजी से पेमेंट मिलने वाला नहीं है, इसके लिए एक जन आंदोलन का जरूरत है। और रांची अगर अच्छा व्यवसाय किया है तो अच्छा आंदोलन भी करेगा, खास करके हमारा रांची वन रीजन, वो हमेशा सुर्खियों में रहता था, हर व्यवसाय में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। तो क्या कारण है कि यहाँ के एजेंट जो हैं वो घरों में दुबके हुए हैं, इसलिए वो अपनी हट धर्मिता छोड़ें और जमाकर्ताओं के हित में सड़कों पर आवें। नहीं तो आज जिस जैसा महिलाएं बोली हैं कि हम लोग उनसे निपट लेंगे, उन कार्यकर्ताओं को हम लोग घर से बाहर निकालने जानते हैं, अगर भुगतान देने जानते हैं, लाखों रुपया देने जानते हैं, तो उनका भी हम लोग कॉलर पकड़ के निकालेंगे सड़कों पर। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलता पूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।